हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी एक संस्था है जिसने क्या किया, जो कि कई एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पहले वो मेंस का एग्जाम लेती थी, लेकिन अब उसने क्या किया, एक साल के लिए एक टेस्ट रख दिया जिसकी वैलिडिटी एक साल के लिए है, वन ईयर के लिए। उसने एक टेस्ट रख दिया जिसे हम पैट के नाम से जानते हैं, और पैट जो है, पैट का पूर्ण नाम होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अंतर्गत वह एक एग्जाम कराएगी और उसका कुछ सिलेबस के बारे में अभी हम बात करेंगे आपसे। उसका एक एग्जाम कराएगी और एग्जाम कराने के लिए जो है आपको टोटल जितने भी बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे या फिर जितने भी बच्चे उसमें पास किए जाएंगे, वह जो ये एग्जाम कराती है आपकी, उनके लिए वह आपके एलिजिबल होंगे, बाकी को निकाल दिया जाएगा जो कि प्री में पास होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो सिलेबस क्या है, सिलेबस है इसमें 50 नंबर की तो जीके आएगी, ठीक है, मैथ आएगा आपका 15 नंबर का, 15 नंबर का मैथ, 50 नंबर की जीके, रीजनिंग आपकी आएगी 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश 5 नंबर की। ये तो होगा इसके अंक। अब बात आती है टोटल इसका कितना हुआ, टोटल हुआ आपका 100। बस टोटल इसके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों की कुल संख्या या प्रश्नों की कुल संख्या, वह आपके 100 होंगे। कितने, 100 क्वेश्चन। इसके 100 क्वेश्चन के लिए या 100 प्रश्नों के लिए जो कुल समय दिया गया है, वह है आपका 120 मिनट। कितना, 120 मिनट का मतलब है दो घंटे दिया गया है। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, निगेटिव मार्किंग है, लेकिन कितने की है, 1/4 की, 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, या 1/4 कहते हैं। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वह 21 मई को आया था, 21 मई को तो इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसकी जो ऑनलाइन करने की जो तिथि थी वह थी आपकी 25 मई, 25 मई जो है इसकी ऑनलाइन करने की तिथि। अब बात आती है लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट है आपकी 21 जून, लास्ट डेट है आपके 21 जून, 21 जून तक आप जो है अपने फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसमें करेक्शन के लिए जो आपकी साइट खुलेगी करेक्शन के लिए, वह मात्र आप इसमें एक बार करेक्शन करवा सकते हैं। कितने बार, मात्र एक बार करेक्शन करवा सकते हैं, दोबारा करेक्शन करवाने का कोई चांस नहीं है। अच्छा देखिए, जो जीके है, जीके का थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे। जीके जबकि 50 नंबर का पूछा जाएगा, तो सोचा कि इसको चलो अच्छी तरीके से एक बार पूरा सा देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन से भाग से आएंगे, अलग अलग खंडों से आएंगे ना, इसलिए कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे। देखिए, इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिकी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य जागरूकता से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थी आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में पूरी जानकारी। अच्छा, 185 रुपए में ऑनलाइन हो रहा है आपका जनरल वालों का, 185 रुपए में, और ओबीसी वालों का भी 185 रुपए में ही ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी तारीख, अभी इसकी डेट बकाया है, अभी इसकी डेट बकाया है 21 जून तक, 21 जून तक आप इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो तो वह जो है अपना इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और यदि आप किसी भी स्टडी मटेरियल को चाह रहे हो, यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो आपको हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।